अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है ना, तो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपका एक ट्रेड जो कि आपने अगर ईगो बना लिया कि नहीं इस ट्रेड से मैं निकलूंगा ही नहीं, तो आपकी कैपिटल पूरी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे लॉस को जितना जल्दी कट करना आप सीखेंगे, उतने अच्छे आप ऑप्शन ट्रेडर बनेंगे। लॉस को अगर लेके आप बैठे ना, एक बार और मैं बता दूँ, 90% ऑफ द टाइम अगर आपका ऑप्शन लॉस में आ गया है, 10% 12% के लॉस में आ गया है, तो वो आपको लॉस ही देगा, जल्दी वो प्रॉफिट नहीं देगा। क्योंकि ऑप्शन का गेम मोमेंटम का होता है, एक बार मोमेंटम मिस हो जाता है ना, तो अगर वो उसी जगह पर भी ट्रेड करता रहेगा तो भी हमें वो लॉस दे के ही जाता है। इसीलिए मैं आप लोग को किस तरह से ऑप्शन में लॉस किस तरह से बुक करना है वो भी चीज़ें बताऊँगा, प्रॉफिट किस तरह से लेना है, चार्ट पे क्या क्या देखना है, माइंड सेट किस तरह का होना चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरह की होनी चाहिए, ग्लोबल सिनेरियो को आपको किस तरह से रीड करना है, जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है उसको किस तरह से रीड करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। थोड़ा समय लगेगा आप लोग को, धीरे